शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सबको पता है संगीत के सिर्फ सात ही सुर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की गायकी ऐसी होती है कि वो उन सात सुरों से ही हजारों रंग बिखेर देते हैं। आज कुछ ऐसे ही मेहमान हमारे घर में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार स्वागत किया जाए पद्मश्री उस्ताद श्री पूरन चंद वडाली जी, प्यारे लाल वडाली जी और उनके पुत्र लखविंदर वडाली जी। जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत है हमारे शो में। और अच्छा, मैं बातचीत में अगर इनको पापा जी बोलूं, उनको चाचा जी बोलूं तो हैरान मत होइएगा, बिकॉज लखविंदर जो है मेरे कॉलेज टाइम का दोस्त है। यूनिवर्सिटी से हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़े कम है, ज़्यादा निकाले हुए हैं हम लोग। ये यूनिवर्सिटी में गाते रहे और मैं ड्रामा वगैरह करता रहा। पर पापा जी, पहले तो ये बताइए, आप एल्बम क्यों नहीं करते थे पहले अपनी? क्योंकि मुझे ये शौक ही नहीं था कि मेरे फादर साहब, मुझे तो गाना ही उन्होंने सिखाया, मारते पीटते बहुत थे। मैंने डर के मारे सीखा, मुझे तो बस कुश्ती का शौक था, मैंने कुश्ती की है 15-20 साल। एक बात और भी है जी, बड़े भैया कैसेट क्यों नहीं था करवाते जी? इसलिए भी वो तो घर में ही सुन लेंगे, हमें कुछ ने बुलाना है इसलिए ये सोचते हैं। तो ये कारण था पहले आप मतलब एल्बम नहीं करते? हाँ जी, हाँ जी। पर कमाल है, मतलब ऐसी आवाज बहुत सालों तक तो पहले वहां के लोकल लोग सुनते रहे, उसके बाद फिर भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है।
तो पापा जी, आपने वाकई अपने संगीत से ना आपने रब को पा लिया होगा सर। हाँ, क्या बात, वाह। एक बात मुझे याद आई थोड़ी सी जी, मैंने एक बात की, लोग सब हंसे। पहली तो बात ये है कि मैं स्कूल नहीं गया, हिंदी बोलनी बहुत कम आती, पंजाबी आती है, वो बीच में घुसर जाती तो खिचड़ी बन जाती है। भाई आपको याद है मेरे पापा पुलिस में थे अमृतसर में, हाजी जितेंद्र कुमार, आपको याद होगा। हाजी हाजी, तो मैं पहली बार मिला भी, अच्छा मिला मैं कैसे, पापा जी साइकिल पे आ रहे थे। मैं बड़ा हैरान, अब बच्चा था लेकिन इतनी तो समझ थी कि इतने मशहूर है, इतने पॉपुलर है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं। तो मेरे पापा कहते हैं ये ऐसे ही हैं, ये फकीर लोग हैं, ये ऐसे ही हैं बस। तो पापा जी साइकिल, आपने काफी साल आप साइकिल पे ही चल, मेरे ख्याल से सफर करते रहते। मैं कहता हूँ जी साइकिल मैंने इतना चलाया है कि देखो यहाँ से पटियाला तक, फिर पठानकोट, जम्मू, मोगा, अमृतसर से, अमृतसर से। अरे साइकिल भी कौन सा वाला, जिसके पीछे बड़ा वो दूध के डोने नहीं लेके आते, बड़ा वाला करियर, वो किस लिए लगवाया था पापा जी, वो मुझे नहीं पता। वो इसलिए मैं दो सवारी भी बिठा लेता था। अच्छा इतने रूट पे तो ट्रेन नहीं चलती, छोड़ दिया अगर चैन टूट गई है। क्या बात है, मतलब इतनी ट्रेनें नहीं चलती पंजाब में, अपना पापा ही ने साइकिल चला दिया। अभी तो जैसे प्यारे ने बोला है ना कि अभी चैन टूट गई, चैन टूट गई, मैं भी चैन से बैठ गया। तो पापा ही गाड़ी लेते क्यों नहीं थे आप पहले? गाड़ी मैं इसलिए नहीं लेता था क्योंकि मैं जमीन से उठाया और जमीन से लगा। मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिलते, बहुत बहुत जो झाड़ू फेरते वो भी जफी डाल के फिर मिलते, तो मैं बहुत खुश होता। वो कहते यार, कई लोग पूछते आप गाड़ी क्यों नहीं रखते, मैं कहते मैं गाड़ी में बैठूंगा, घर से बैठूंगा, घर ही जाके उतरूंगा, आपको नहीं मिल सकता। आ, तेरी क्या बात है। बड़ा कमाल का एक ना किस्सा मुझे याद आया कि जी। मैंने कहा कि पापा जी ऐसा करें, लोग हमें बाहर जब हम जाते हैं तो लोग मजाक करते हैं कि यार आपके फादर साहब का कितना नाम है और वो साइकिल पे स्कूटी पे जाते रहते हैं। और मैंने पापा जी को आके बोला, मैंने कहा पापा जी आप ऐसा करते हैं कि हम गाड़ी ले लेते। इधर उधर देखा तो बोले कौन सी। मैंने कहा कि पापा जी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, एक ऐसे उसमें ना जो बैक साइड की ना उसकी वो विंडोज़ नहीं है और आगे ड्राइवर साइड की और इस साइड की लेफ्ट साइड साइड पे हैं। तो मैंने गाड़ी दिखाई, गाड़ी लाके खड़ी कर दी। तो बोले उसके घूमे, घूम के देखा, ओ काका है इसमें अगर आग लग जाए निकलना किधर से है। नहीं लेनी हमने। मुझे कई लोग ऐसे पूछ रहे थे यार आपका लड़का तो लखविंदर वो गाड़ियों में रहता है, आपके पास इतनी गाड़ी, आप गाड़ी में क्यों नहीं बैठते, आप स्कूटरी पर ही रहते हो। मैं क्या, मैं इसलिए रहता हूँ, वो तो ना अमीर बाप का बेटा, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, इसलिए मैं। तो पापा जी पहली बार जब आप जहाज में बैठे थे, आप तो गाड़ी में नहीं बैठ के राजी थे, तो जब पहली बार जहाज में बैठे थे आपको डर नहीं लगा? फिर लगता था। तो पहली फ्लाइट में क्या हुआ था, फिर कुछ हुआ कि नहीं? पहली फ्लाइट में जब मैं बैठा करना ना, मैंने इस करके याद हो आई भी जिस वक्त तो गया ना बहुत ऊंचा, तो जब वो बदल आए तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, मैं क्या अभी पता नहीं डिगना कितने पहिए होने। तो उसमें दारू भी देते हैं ना, इतनी की शीशी। मुझे पूछ के देखो मैंने कितनी पिलाई हो। वो मैंने उनको बोला लड़की को, मैंने मैं कहा बेटे मेरी बात सुन। कहते क्या, वो हिंदी समझती थी। मैंने कहा तो ऐसे कर भी 8-10 शीशी तोड़ कर तो गिलास मिला होता। जब वो तार मुझे आई ना, मैंने कहा अभी भी कहीं भी गिर जाएगा तो अभी चोट नहीं लगेगा। ये उस वक्त की बात है। पापा जी जरा यार ना देखे ऐबा नू, तो ना पंजाबी जी गल करनी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। जरा यार ना देखे ऐबा नू, वो यार मुबारक हुंदा है, जिस प्यार में थोड़ा गर्ज ना हो वो प्यार मुबारक होता है। क्या लेना है ऊंचे महलों से, क्या देना शिखर मनारों ने, जिस दर पे झोली भर जाए वो द्वार मुबारक होता है। क्या बात है। क्यों, क्योंकि गल याद आई
सिद्धू साहब की गल तो मैनू जी हाँ जी उच्चिया लम्बिया लाल खजूर पत्र जिन्हों के सावे जिस दम दे नाल प्रीत है साड़ी सानू वो दम नजर ना आवे खुलियां गलियां खुलियां गलियां उजाड़ दिसण मैनू वेड़ा वड वड खावे गुलाम फरीदा फिर उत्थे की रही है जिथे यार नजर ना आवे।